have a young budding poetess, Ms. Anu Gangwal. Ms. Anu Gangwal has been actively involved in content writing, Hindi proofreading. She's a writer, she's a proofreader, and she's a translator. Today, we want to ask a few questions to her. But first of all, I would like to welcome to our YouTube channel. Welcome very much. Thank you, sir. Anusha, we जानना चाहते हैं कि आप इतनी young हैं. Yes, sir. आपको poetry की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी सर, जैसा कि घर में मेरे शुरू से ही माहौल रहा है किताबों, मुझे टीवी से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं मैंने. बचपन से ही स्टोरीज पढ़ी है और कविताएं, ये सब पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं. तो जब आप इतना पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि जो आपने नॉलेज गेन की है आप दूसरों के साथ शेयर करो. तो बस वहीं से लिखने की शुरुआत हुई. और कॉलेज स्कूल्स में मैंने काफ़ी प्राइज जीते हैं, फिर कॉलेज में जीते, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिला और आगे लिखना अभी जारी है. अनुज, मैं पूछना चाहता हूँ, अपने बचपन में कौन सी कॉमिक्स पढ़ी है? चंपक पढ़ी है? जी सर. अमर चित्र कथा पढ़ी है? जी सर. उससे क्या प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो चंपक का नाम ही नहीं मालूम, ना उन्होंने कभी अमर चित्र कथा पढ़ी, तो किस एज में आपको ये प्रेरणा मिली? सर, जैसे कि मेरा जो परिवार है वो जॉइंट फैमिली है, तो मेरे बड़े बहन भाई वही पढ़ते थे, तो उनको देखते देखते मुझे वो लगा. और जैसे कि हम चंपक पढ़ते हैं तो उसके चरित्र आपस में इतने ज्यादा सुलझे होते हैं, हर कोई प्रेरणा देते हैं एक दूसरे को कि वो हेल्पफुल होते हैं, आगे कुछ करने के लिए इनकरेज करते हैं, तो वही पढ़ते पढ़ते आगे सीखा. आपका फेवरेट कवि या कवित्री कौन है? सर, मेरे फेवरेट कवि है बशीर साहब. कुछ उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? जी सर, बशीर साहब मतलब वो ऐसा लिखते हैं कि उनको लिखते लिखते हैं मैं खुद को उनको उनकी नायिका सा समझने लगती हूँ. वो उन्होंने बहुत अच्छा सा चित्रण किया हुआ है खूबसूरती के ऊपर, चांद की आदतें उन्होंने बताई है, नारी का चरित्र इतने अच्छे से बताया है कि मैं उनको पढ़ते पढ़ते खुद से रिलेट करती हूँ, तो मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता है. जब ये बोलते हैं नारी का चरित्र, जी सर, आज हमारा पूरा देश इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हर रोज हमें एक ना एक नारी शोषण का न्यूज हमारे सामने आता है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर, यही है कि मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन बीते हैं तो मैंने एक कविता भी लिखी थी इसके ऊपर, तो उसका वो उसकी दो लाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी. उठो नारी संहार करो, दुष्टों का भी नाश करो. उठो नारी संहार करो, दुष्टों का विनाश करो. और मतलब जो ये बेड़ियों से लिपटी हुई है, तो हमें बेड़ियों से लिपटे, यहाँ कृष्ण सा कोई नहीं जो तेरा मान बचाएगा, यहाँ कृष्ण सा कोई नहीं जो तेरा मान बचाएगा. है सृष्टि की रचियता तू, तुझे खुद का मान बचाना होगा. कोई बात नहीं, हम एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं. आज हमको 72 साल हो गए आजाद हुए, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हमारे देश में नारी आजाद है? सर, मैं ये कहूंगी कि नारी अगर आप सोच तक सीमित है, अगर माने तो कहीं ना कहीं तो पुरुष भी आजाद नहीं है, क्योंकि वो भी किसी न किसी सोच से, और हमारी जो पुरुषात्मक सत्तात्मक जो पूरी फैली हुई है उसमें भी पुरुष अगर रोना चाहे ना तो वो रो नहीं सकता है. अगर वो रोएगा तो बोलेगा क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, अपने आंसू मत दिखा. तो हम लोग पुरुष को भी डोमिनेट कर रहे हैं, नारी को भी डोमिनेट कर रहे हैं. जब तक हम खुद से नहीं चाहेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो सकते. तो आपका कहने का ये है कि हमारे समाज में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्या ये एजुकेशन की कमी है या हमारे पेरेंट्स की कमी है या हमारे अपब्रिंगिंग में कमी है, इसके बारे में आप एक लाइन बोलना चाहेंगे? सर, यही है कि बचपन से बच्चे को सिखाया जाना चाहिए. ये हम लोग मतलब हमारा जो अभी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना अच्छा चाहते हैं कि जो हमें नहीं चाहिए होता वो भी हमें टाइम से पहले मौजूद करवा देते हैं. जैसे कि आपको थोड़ी बहुत नजर रखनी चाहिए, आप नेट प्रोवाइड करवा रहे हो माना कि वो शिक्षा के लिए, लेकिन आपका बच्चा पीछे से उस पर क्या कर रहा है वो उस पर आपकी नजर होनी चाहिए.
आपको उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, क्या गलत है क्या सही है उनके बारे में, उनसे बातचीत करो, दोस्ताना व्यवहार करो, तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पूरी ये शिक्षा नीति हमारे समाज में जो हो रहा है उसको बदलाव लाने के लिए एक हमारी बॉन्डिंग हमारे पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। जी सर, थैंक यू वेरी मच हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम चाहते हैं कि आप और जिंदगी में बढ़ो और कविताएं लिखो और हमारे समाज को जागरूक करो। थैंक यू सो मच। मैं दो लाइन के साथ समाप्त करना चाहूंगी। विवेकधारी बन, विवेक से करो हर काम, जीवन कर दो राष्ट्र को समर्पित, भाव रहे निष्काम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।